आपने गौर किया होगा कि एक गर्म चाय का कप जब रूम में रखा जाता है तो वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज्यादा होता है और सराउंडिंग्स, इसके आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर इसके रेस्पेक्ट में कम होता है, तो एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है। उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये चाय हीट लूज करता है, और जब यह हीट लूज करता है तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटते जाता है। और यह बहुत ही इरिटेटिंग बात है कि गर्मियों में हम बहुत ज्यादा गर्म चाय पीना नहीं चाहते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में चाय बहुत जल्दी ठंडा होता ही नहीं है, और जाड़े में हम गर्म चाय पीना चाहते हैं लेकिन जाड़ों में बहुत जल्दी चाय ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि गर्मियों के दिनों में ये जो सराउंडिंग्स है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है चाय का और सराउंडिंग्स का, ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, लेकिन जाड़े में सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये काफी ज्यादा होता है। इसके कारण चाय जाड़े में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये जो हीट लूज कर रहा है, जिस रेट से हीट को लूज कर रहा है, वो रेट जाड़े के दिनों में ज्यादा होता है क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है। अब अगर आप इसे प्लॉट करते हैं, मान ले कि किसी एक समय में जो सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर टी एस है और ये जो चाय है चाय का टेम्परेचर टी है, तो अगर हम समय के साथ साथ इसके टेम्परेचर को मेजर करें, चाय के टेम्परेचर को, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? अगर हम इसके टेम्परेचर को टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं तो ये टाइम है और ये चाय का टेम्परेचर है। अगर टाइम के अगेंस्ट में हम इसे प्लॉट करते हैं तो हमें कर्व कुछ इस तरह का मिलता है, ऐसे इस तरह का मिलता है। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, शुरू शुरू में जबकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ये टेम्परेचर ड्रॉप का जो रेट है ये बहुत ज्यादा है। यहां से आप इसके स्टीपनेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है शुरू शुरू में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है। समय के साथ साथ जितना समय पार होता है इसका टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर कम होते जाता है, ये रेट ऑफ कूलिंग जो है ये कम होते जाता है। ये देखिए, ये टेम्परेचर का चेंज समय के साथ साथ अब कम होता है। इस टाइम पीरियड में देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा टेम्परेचर में चेंज हुआ इतना सा टाइम पीरियड में, लेकिन अब देखिए इतना सा टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होता है। गर्मियों में और जाड़े में जो चाय का ठंडा होना है कुछ इसी के साथ रिलेटेड है। आप सोचिए, जाड़े में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो बड़े तेजी से वो ठंडा होने लगता है चाय, गर्मियों में ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है। अब इसका जो रेट ऑफ कूलिंग है इसी को बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हम चलिए मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, एक छोटा सा टाइम पीरियड हम कंसिडर कर लेते हैं डी टी, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड। इस छोटे से टाइम पीरियड में यह चाय जिसका कि टेम्परेचर टी है वो कुछ हीट लूज करता है, तो ये चाय जो है कुछ हीट लूज करता है और उसका अमाउंट है डी क्यू, बहुत छोटा है, ये छोटे से टाइम पीरियड में एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट ये लूज किया, इसका टेम्परेचर जब टी था। ये इतना छोटा है ये टाइम पीरियड और ये चेंज इन हीट जो है, ये हीट जो छोड़ रहा है ये इतना छोटा है कि इसके छोड़े जाने के कारण जो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा वो इतना 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 कम होगा कि उसे हम टी ही मान सकते हैं। फॉर डी टी टाइम पीरियड इसका टेम्परेचर को हम कांस्टेंट टी मान सकते हैं, क्योंकि ये डी क्यू जो है ये बहुत छोटा है, क्योंकि डी टी भी बहुत छोटा है। अब देखें, यहां से हमें रेट ऑफ कूलिंग के लिए हमें मिलेगा एक इक्वेशन जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें बताता है। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लें,
ये डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है ये छोड़ रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग ये किस रेट से ठंडा हो रहा है, दैट रेट ऑफ कूलिंग इज डी क्यू डी टी। इतने समय में, डी टी समय में इतना हीट निकल गया, तो फिर हम कह सकते हैं दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग। लेकिन रेट ऑफ कूलिंग के साथ फिजिक्स डील नहीं कर सकता है, फिजिक्स के कुछ कुछ नियम हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो फिर हम रेट ऑफ कूलिंग यहां पर यूज नहीं करेंगे, बल्कि रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी को यूज करेंगे, उस टर्म को यूज करेंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस चाय के लिए, ये चाय इसके पास कुछ हीट एनर्जी है, अब ये हीट एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है ये सोचिए आप। इसके पास मान ले क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, ये अगर डी क्यू निकल जाता है, इससे डी क्यू हीट अगर निकलेगा तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो रेट इन चेंज, चलिए रेट इन चेंज बाद में आता है, इसका जो चेंज इन हीट एनर्जी है वो कितना होगा, नेगेटिव डी क्यू, क्योंकि ये तो घट रहा है ना, इससे चाय में जो हीट का कॉन्टेंट है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो तो घट रहा है, तो चेंज इन हीट ये क्या होगा, ये नेगेटिव डी क्यू होगा। तो अब हम ये पता लगाएंगे रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी, हीट एनर्जी ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव डी क्यू डी टी। आप इस बारे में कुछ देर सोचिए फिर आगे बढ़े। चलिए ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी इस चाय के कप के लिए, एक छोटे से टाइम पीरियड डी टी, जिस समय ये इतना हीट लूज कर रहा है, जिस समय इसका टेम्परेचर टी है। तो यहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें क्या बताता है, देखें अब जो है आप देखें ये जो रेट ऑफ कूलिंग है, या फिर कहें यहां इस हिसाब से कहें तो रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी जो है ये किस पे प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था ना कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये ज्यादा तेजी से ठंडा होता है, मतलब इसका रेट ऑफ कूलिंग जो है ये ज्यादा होता है, रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगा, इसीलिए ज्यादा तेजी से ये ठंडा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है नेगेटिव डी क्यू डी टी ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, चाय का टेम्परेचर टी और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर टी एस, तो ये इस पे प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। चलिए नेगेटिव डी क्यू डी टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, चलिए स्मॉल लेटर के कांस्टेंट है ये, टी माइनस टी एस। यहां पर ध्यान दें ये जो कांस्टेंट है ये सारे एलिमेंट्स के लिए या सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए या सारे मटेरियल्स के लिए सेम होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जो है बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इसका शेप कैसा है, ये जितना सरफेस एरिया में एक्सपोज्ड है, इसका जो टॉप है, देखें चाय का जो टॉप है, टॉप सरफेस है, इसका सरफेस एरिया कितना है, जितना ज्यादा होगा वो उतना तेजी से ठंडा होगा। इसीलिए हमें जब गर्म दूध या गर्म पानी या गर्म चाय को बहुत जल्दी ठंडा करना होता है तो हम एक प्लेट में उसे डाल देते हैं, एक प्लेट में उसे हम डाल देते हैं, इससे क्या होता है ये फैल जाता है, ये जो सरफेस एरिया है ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ये तेजी से ठंडा होता है। तो बहुत सारे चीजों पे ये डिपेंड करता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं चाय के लिए इस के का वैल्यू जो है ये दैट इज अ सर्टन कांस्टेंट, ऐसा हम नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है बहुत सारे चीजों पे। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो चाय का कप है इसमें जितना अमाउंट ऑफ चाय है उसके लिए के का वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, अलग कप में आप इतना ही चाय रखते तो के का वैल्यू बदल जाएगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब यहां से आगे हम ये पता लगाएंगे कि कुछ समय बाद, टी समय बाद, इस चाय का टेम्परेचर कितना होगा, उसके लिए कैसा इक्वेशन बनेगा देखें। उससे पहले मैं इसे इक्वेशन वन नाम दे देता हूं। आप देखें इस चाय के लिए
अगर इसे कुछ हीट मिलता है, डेल्टा क्यू हीट इसे प्रोवाइड किया जाता है, तो ये डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? कैलोरीमेट्री में हमने देखा था ये डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, चाय का जो मास है इनटू चाय का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इनटू जो इसका चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो अगर हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ये चेंज इन हीट जो है बहुत छोटा अगर हुआ तो ये टेम्परेचर चेंज भी बहुत छोटा होगा। सो डिफरेंशियल फॉर्म में हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, ये टी कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर टी तो टाइम है, ये टेम्परेचर है। तो मैं यहां से एक लाइन और बढ़ा देता हूं और मैं ये कहूंगा कि डी क्यू डी टी, डी टी से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, इज इक्वल टू एम एस डी टी, ये कैपिटल टी, स्मॉल लेटर टी, ये डी टी, इसे मैं इक्वेशन टू नाम देता हूं। ये जो है आपको यहां पर दिख रहा है इक्वेशन वन में, तो इसके जगह पे हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए ये वाला वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दूं, फ्रॉम मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, लिखना चाहिए था सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू डी टी फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन वन, उतना नहीं लिख रहा हूं मैं सिर्फ लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन टू, इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये वाला वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो एम एस डी टी बाई डी टी, और ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन इज इक्वल टू के टी माइनस टी एस। अब देखिए ये जो कैपिटल टी वाला टर्म है, ये डी टी, इसके साथ हमें इसे लाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसी को कुछ हम ऐसे लिखेंगे, डी टी डिवाइडेड बाय दिस वन टी माइनस टी एस इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन भी इधर ले जाते हैं, नेगेटिव के डिवाइडेड बाय एम एस और इनटू डी टी, ये वाला डी टी। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे इंटीग्रेट दोनों साइड को। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसे एक दूसरा ही कांस्टेंट मान लेता हूं, क्योंकि इस केस में जितना चाय है उसका मास तो सेम है और चाय के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी सेम है। सो इस एक्सपेरिमेंट में या इस ऑब्जर्वेशन में ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये भी कांस्टेंट है, तो इन तीनों को मिला के हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं ये जो है के डिवाइडेड बाय एम एस इज इक्वल टू कैपिटल के, सो दिस इज कैपिटल के। अब यहां पर इसके जगह पे मैं कैपिटल के सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। सो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कैपिटल के। अब अगर दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं, सो इंटीग्रेट करेंगे इधर और इसे भी नेगेटिव साइन को बाहर ही रहने देते हैं, तो फिर देखें हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, बाद में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना होगा। तो ये इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी एस इज इक्वल टू, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे अब, सो नेगेटिव के तो बाहर चला जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो टाइम डिपेंडेंट है नहीं, हमने यहीं पर देख लिया था ये कांस्टेंट है, सो इसे भी बाहर ले जाते हैं और डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टी, और हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर इंट्रोड्यूस करना होगा। आप देखें इसका मतलब क्या होता है, इस चीज का ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, सो ln मैं यहीं पर लिख देता हूं, ln टी माइनस टी एस, ये क्या है, ये है लॉग ऑफ टी माइनस टी एस और इसका बेस होता है e। तो ये जो चीज है ये अगर इसके बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है e टू द पावर दिस वन इज इक्वल टू टी माइनस टी एस, तो उसी को लिख देते हैं।
So t minus ts is equal to e to the power this term. So t minus ts is equal to e to the power negative kt plus c. अब यहां पर इसी को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, e टू द पावर नेगेटिव के टी के स्मॉल लेटर टी इंटू e टू द पावर c. अब ये जो e टू द पावर c है ये भी तो एक कांस्टेंट होगा क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो e एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट. सो इस e टू द पावर कैपिटल c, इसे चलिए नाम दे देते हैं, ये है c डैश. तो फिर हम कहेंगे कि t माइनस टी एस इज इक्वल टू e टू द पावर, यहां से देखें e टू द पावर नेगेटिव k t, ध्यान रखे k का वैल्यू जो है कैपिटल k का वैल्यू, ये स्मॉल लेटर k है, कैपिटल k का वैल्यू जो है वो ये है, नेगेटिव k t e टू द पावर नेगेटिव k t इंटू c डैश. तो फिर इक्वेशन के दोनों साइड को अगर टी एस से ऐड कर देते हैं, दोनों साइड में अगर टी एस ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इस चाय का टेम्परेचर इज इक्वल टू टी एस प्लस, इसे पहले लिख देता हूं, सी डैश ई टू द पावर नेगेटिव के टी. सो ये जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन हमें बताता है कि टी समय बाद, जब ऑब्जर्वेशन की शुरुआत हो रही है, टी समय बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा. यहां पर ध्यान दे, ये जो कांस्टेंट है, खासकर ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और उसी से आगे बढ़ के ई टू द पावर सी जो कि सी डैश बन गया, ये थियोरेटिकली पता करना बड़ा मुश्किल है. तो इसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, एक छोटे से समय के बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना हुआ और उसी से ये पता लगाया जाता है कि ये जो सी डैश है इसका वैल्यू कितना होगा. फिर आगे के किसी भी समय के लिए हम टेम्परेचर को पता कर सकते हैं. तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अब जो अगला टॉपिक है उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में मिल जाएगा. अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी. तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें. गुड बाय.